Today, we are going to learn the next point of this chapter, and the next point is marine dips and marine trenches. Okay, now we are going to learn about the landforms under the sea that means under the ocean floor, which are marine dips and marine trenches. Yesterday, I had shown you. Okay, now here you can see that marine trenches and marine dip such a type of fault is there. Uh, here the

एंड स्ट्रेंचेस उसे ही मराइन ड्रिप मराइन डिप्स और ट्रेंचेस वहां पर कहा जाता है तो जो भी पार्ट वहां पे शेलो पार्ट है मतलब ओशियन के फ्लोर का जो शालो पार्ट है उसे वहां पे मराइन डिप्स कहा गया है और जो बहुत ही नीचे तक गया हुआ जो पार्ट है उसे मराइन स्ट्रेंचेस कहा गया है देखो ये डीप पार्ट है है ना तो इसे मराइन डीप कहा गया है और फिर ये नीचे यहाँ पे एक वैली जैसा आया हुआ है ना तो यहाँ पे वो मराइन ट्रेंचेस है मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ फिगर फिगर फोर पॉइंट टू ओशियन रिलीफ है ना वहां पे मराइन स्ट्रेंचेस दिखा रहा हूँ जो सबसे राइट हैंड में आपको दिखेंगे नीचे की तरह वैली की तरह गया हुआ पार्ट वो मराइन स्ट्रेंचेस okay? the है ओके नाउ द स्ट्रेंचेस आर था पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट स्ट्रेंच इन दर्ल्ड तो पैसिफिक ओशन में जो स्ट्रेंच है वो सबसे डीप ऐसी है पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में इट्स डेप्थ इज अराउंड थर्टी फोर मीटर्स तो एलेवन थाउजेंड थर्टी फोर मीटर्स की उसकी डिप डेप्थ वहाँ पे है द मिड ओशियन सब मज हिल्स एंड मराइन स्ट्रेंचेस आर जियोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ द ओशियन बेड इन द वर्ल्ड तो ये जियोलॉजिकली बहुत ही मतलब एक्टिव बहुत ही एक्टिव ऐसा एरिया ओशियन बेड में पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे देखा जाता है

जहाँ पे इस तरह के एक्टिव वर्ल्ड और अर्थ प्रोन वहां पे होते हैं वहां पे बार बार कुछ सुनामीज आते हैं है ना जो कोस्टल एरिया है वहां पे सुनामीज देखने को मिलते हैं मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी वेरी वास्ट वेव्स वी कैन सी नियर द कोस्ट ओके नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मराइन डिपोजिशन ओके द मराइन बेड्स आर डीप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव रीजन वेरियस डिपोजिट आर फाउंड इन दीज पार्ट द डिपोजिट्स आर एज फॉलोज तो ये जो मराइन बेड्स होते हैं वो बहुत ही डीप ऐसे पार्ट होते हैं पूरी दुनिया के और जिसकी वजह से अलग अलग तरह के डिपोजिट्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं तो कुछ यहाँ पे बताए गए हैं नंबर फर्स्ट पेबल्स क्ले सॉइल एक्सेट्रा ब्रॉड बाय द रिवर्स ग्लेशियर एक्सेट्रा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स तो हर एक जो रिवर है वो ओशियन को आकर मिलती है और रिवर अपने साथ बहुत ही सारी चीजें लाती है जैसे कि पेबल्स क्ले सॉइल और ये सारी चीजें रिवर्स थ्रू ग्लेशियस थ्रू ओशियन में आती है और ओशियन की बेड में हमें उनका डिपॉजिट यहाँ पे दिखता है ओके नेक्स्ट है द द डिपॉजिट ऑकर्स मेनली ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ये डिपोजिशन पे देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो हमने कल पढ़ा था दीज आर कॉल्ड मराइन डिपोजिट तो उन्हें मराइन डिपोजिट्स कहा जाता है द लावा एंड ऐस इरप्टिंग आउट ऑफ ओलकेनिक इरप्शन इज ऑल्सो फाउंड हियर तो वहां पे जो लावा है और वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला जो भी मटेरियल है एश है ना तो वो भी हमें देखने को मिलता है फाइन सोइल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द लार्ज स्केल तो सोइल के छोटे-छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्केल में बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हुए मिलते हैं रिमेन्स ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मिक्स इन दिस डिपॉजिट तो इसमें कुछ मरीन प्लांट्स है ना जैसे कि एक्वाटिक प्लांट से वो और उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स उसके फॉसिल्स मतलब डेड बॉडीज जिसे कहते हैं वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं दिस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ लाइज इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्ले तो ये जो मिक्सचर है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में होता है जैसे कि एक फाइन क्ले हमें वहाँ पे देखने को मिलती है दिस इज अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ द डिपॉजिट ये थर्टी परसेंट ऑफ डिपॉजिट वहाँ पे होता है दिज आर कॉल्ड मराइन ऊजेस तो उसे क्या कहा जाता है मराइन ऊजेस तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स इनके बहुत ही फाइन पार्टिकल्स एज अ पाउडर फॉर्म में वहां पे बन जाते हैं जैसे कि फाइन क्ले में वो कन्वर्ट वहां पे हो जाते हैं उसे मराइन उज कहा जाता है ओके टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द मराइन लाइफ इन द ओशियन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑन द ओशियन बेड दीज डिपोजिट्स आर नेक्स्ट पेज नाउ डिपॉजिट्स तो मतलब होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिस तरह से हमने मराइन लाइफ ओशन के नीचे जो मराइन लाइफ होती है अवेलेबल मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट प्ले रोल प्ले करते हैं देन सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिटिंग डिपोजिटिंग ऑफ लेवर लेयर्स ऑफ सीडिमेंट एंड प्रेशर ऑफ द सी वाटर तो इस तरह से ये जो सेडिमेंट्स वहाँ पे सेडिमेंट्स मतलब जो भी सारा मटेरियल है जो रिवर्स बहकर लाती लाती है।, है ना या ओशन के अंदर वहाँ पे इकट्ठा होता है तो उसके लेयर के ऊपर लेयर वहाँ पे आते जाते हैं और सी के वाटर की वजह से प्रेशर होने की वजह से उनमें रॉक में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कौन सा रॉक सीडीमेंट्री रॉक में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओके नंबर थर्ड बिसाइड्स सम ह्यूमन इंक्ल्यूड इंक्लूड्स मटेरियल इज आल्सो फाउंड

कुछ सेवेजेस हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है सेवेज मतलब लीटर वहाँ पे जो होता है कचरा वगैरह देखने को मिलता है सॉलिड वेस्ट उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ पे देखने को मिलता है कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं वेस्ट केमिकल्स उसके बाद प्लास्टिक ये सारी चीज है ओशियन में जो ह्यूमन मेड या ह्यूमन इंक्लूडेड मटेरियल जो है वो वहाँ पे देखने को मिलता है दिस वेस्ट प्रू हेज द हाइड्रोस्पियर तो ये हाइड्रोस्पियर को मतलब जो भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद है एग्जिस्ट हैं उन्हें पोल्यूट करने के लिए या उन उनके अंदर पोल्यूशन करने के लिए उन्हें हेजारडोज बनाने के लिए उन्हें खराब करने के लिए ये मटेरियल होता है मतलब खराब कर देता है दीज मटेरियल्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द मराइन लाइफ मराइन लाइफ को बहुत ही हार्मफुल ऐसा मटेरियल होता है अगर केमिकल वहां पे जाता है तो मराइन लाइफ मतलब जो भी एकवेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिशेज हैं उसके बाद टोटाइज हैं है ना कुछ क्रोकोडाइल्स हैं और अदर कुछ फिशेस ऐसी सारी जो मतलब मराइन लाइफ हैं उसके लिए वो डेंजर है हार्मफुल है है ना उस केमिकल की वजह से ये मराइन लाइफ वहाँ पे डेंजर में आ जाती है एकमेंट उनके एनवामेंट को भी मराइन लाइफ के इन्वायरमेंट को भी मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उस वाटर को पोल्यूटेड करते हैं कुछ एक्वेटिक वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं जिनको खाकर ये मराइन एनिमल्स जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो जीते हैं ना वो प्लांट को भी खराब करते हैं देन दो द पोल्यूटिंग कंपोनेंट्स आर लेस देयर नॉइज वैल्यू इज मोर तो पोल्यूटेड पोल्यूटिंग कंपोनेंट्स जो है वो वहाँ पे अगर कम भी है लेकिन उनका जो नॉइजन्स वैल्यू है वो वहाँ पर ज्यादा होता है मतलब जिनका बैड इफेक्ट होने वाला जो भी असर है इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है ओके okay? नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर मेन सी लेवल के बारे में जानते हैं इलेवेशन और डेप्थ ऑफ एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल सी लेवल से किसी भी इलेवेशन को वहाँ पे काउंट किया जाता है अब देखो यहाँ पे ये सी लेवल दिखाई दे रही है तो यहाँ से काउंट किया जाता है कि ये कितना ऊँचा है ये हिल कितनी ऊँची है ये यहाँ से काउंट होता है, है ना सी लेवल से देन द एवरेज ऑफ द हाइट हाइएस्ट हाइट टाइट्स एंड लोवेस्ट लो टाइड इज कंसिडर एज लेवल तो सी लेवल पता है ना आपको टाइड मैंने बताया था शायद से कल ओके okay? तो हाई टाइड क्या है वेन द सी वाटर लेवल इंक्रीज टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया की तरफ सी वाटर ये जो है उसकी लेवल बढ़ती है तो उसे हाई टाइड कहा जाता है जब ये पीछे जाती है तो उसे लो टाइड कहा जाता है ओके सी लेवल जब कम होती है तो

माउंट एवरेस्ट ओके उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से ऊपर वहां पे से गिनी जाती है okay? है ओके सपोज ये माउंट एवरेस्ट तो यहां से हाइट गिनी जाएगी वो कितनी आएगी तो उसकी एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी और उसके बाद सबसे दुनिया की सबसे निचली जो ट्रेंच है है ना यानी पैसिफिक ओशियन में जो ट्रेंच हमें देखने को मिलती है वो माइनस में है मतलब माइनस इलेवन थाउजेंड एंड थर्टी फोर मीटर यह है फॉर सर्वे परपज इन इंडिया द हाइट ऑफ द सी लेवल एट चेन्नई इज कंसिडर टू बी जीरो एंड इलेवेशन ऑफ द प्लेस इन इंडिया इज मेजर्ड विवल में आने वाली जो लैंड है वो चेन्नई की वहां पर कंसिडर की जाती है वो जीरो है ओके और वहां से ऑदर जो इलेवेशन है वो काउंट किए जाते हैं चलो यहाँ पे देखो हाइट एंड डेप्थ यहाँ पे बताया गया ये स्ट्रेंच है ना ये सपोज पेसिफिक ओशियन की जो स्ट्रेंथ है वो है वो माइनस में बताई गई है माइनस इलेवन थाउजेंड एंड थर्टी फोर और ये माउंट एवरेस्ट है सपोज उसकी हाइट वहाँ पे ली जाती है तो ये ओशियन का सरफेस वाटर है तो यहाँ से ली जाती है ना तो वो है एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड वट इज फोर्टी एट ओके अब यहाँ पे भी कुछ पिक्चर बताए गए जिनके बारे में हमने देखा नहीं, जैसे deposits, तो है जैसे कि मराइन डिपोजिट्स तो यह मराइन डिपोजिट्स क्या फोर पॉइंट थ्री में ये देखो यहाँ पे मराइन डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं कोस्टल एरिया में है ना यहाँ पे भी हैं उसके बाद मराइन सीडीमेंट्स तो ये सीडिमेंट्स हैं मतलब जो रिवर्स ने बहकर लाया हुआ मटेरियल्स यहाँ पे पेबल्स वगैरह ये जो सब एलुअल आपको दिख रहा है वो उसके बाद एंथ्रोपोलॉज एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट्स तो एंथ्रोपोजेनिक्स मतलब सोसाइटी थ्रू ह्यूमन थ्रू बनाया गया तो ये जो डिपॉजिट्स हैं वो इस तरह से हैं ओके उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वो इस तरह से हैं गिव इट ट्राई गिव इट ट्राई में क्या बताया गया है फ्रॉम द मैप ऑफ द ओशन को आइडेंटिफाई करना है ये हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप है ना ऊपर से मैप लिया गया है सेटेलाइट से ओके कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द सब मर्ज सब मर्ज को आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम आपको बताने हैं ओके विच रीजन वुड बी आइडियल फॉर फिशिंग एंड वाई तो कौन सा एरिया पे फिशिंग के लिए आइडियल है और क्यों है बाद में पूछो उसके बाद डिपोजिशन ऑफ मेनी मिनरल्स कमिंग फ्रॉम लैंड देन कीप्स ऑकरिंग इन द सीज एंड ओशियंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिपोजिट्स एंड सीडिमेंट्स तो यहाँ पे डिपोजिट्स में जो नेचुरल डिपोजिट्स और सीडिमेंट्स हमें देखने को मिलते जो रिवर से बहकर आते हैं वो और उसके बाद मैनमेड चीजें जो ह्यूमन बींग ने फेंकी है वो अलग बट मैन डिपोज डिस्पोज अनवॉन्टेड मटेरियल्स इन द सी तो ह्यूमन बींग क्या unwanted, करते हैं अनवॉन्टेड जो मटेरियल है वो सी में डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं दिस टू द ओशियन बेड एंड द सी वॉटर तो ये सी वॉटर को और ओशियन बेड को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाता है वहां पे हो जाता है ऑल्सो इट इज हार्मफुल टू मराइन लाइफ ये मराइन लाइफ को भी हार्मफुल होता है बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन सी एंड ओशन इज हायर द लैंड लैंड से ज्यादा ओशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है यानी लाइफ होती है ये हमें भूलना नहीं है ओके नेक्स्ट यूज योर ब्रेन डू दिस एक्टिविटी वेन यू गो टू दी श्योर एंड योर पार्टनर्स सॉरी योर पेरेंट्स और टीचर्स ऑब्जर्व द Materials which have come with the waves. Classify them as per the following chart given below. to yahan pe ek chart diya hai dekho Materials coming along with the waves. Waves ke sath aaya hua material. दो पार्ट में वहाँ पे divide किया गया है natural और artificial. यानी man-made. Natural में कौन सा कौन सा हैं? ये देखो. Plants, then uh, conches and shells. उसके बाद aquatic animals. है ना? और उसके बाद नेक्स्ट है मैनमेड में केमिकल्स मेटल्स और उसके साथ साथ प्लास्टिक ग्लास ये सारे होते हैं ओके okay? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो इस तरह से विच ऑफ आर पेरिशेबल आइटम तो इसमें से कौन से आइटम जो है वो पेरिशेबल है यानी यूजफुल है है ना विच आर नॉन पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल ऐसे आइटम कौन से कौन से वो वहां पे ढूंढना है उसके बाद वट विल हैपन बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स अगर Items वहाँ पर रहे तो उससे क्या फायदा होगा या क्या होगा ओके वॉट विल है क्या होगा ये आपको आंसर बताने हैं नेक्स्ट यहाँ पेजर्स टू कंट्रोल डिपोजिशन ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑन द कोस्ट तो नॉन पेरिशेबल आइटम जो है उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए क्या क्या करना है ये आपको सजेस्ट करना है हाउ विल यू रन कैंपेन ऑफ एनवॉर्मेंटल कन्वर्सेशन टू कीप द कोस्ट क्लीन तो आप किस तरह से कोई एनवायरमेंटल कैंपेन वहाँ पे सेट करेंगे कि जिससे जो कोस्ट एरिया है या कोस्टल एरिया है वो क्लीन रहेगा ओके आगे डू यू नो में यहाँ पे कुछ फिगर बताई गई है देखो ओके यहाँ पे ओशन है और ये ओशन फ्लोर हमें वहाँ पे दिख रहा है ओके तो यहाँ पे ये यह सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो अच्छी तरह से आप देख सकते हो देन वाइट स्टडिंग द ओशन फ्लोर वी मस्ट कीप इन माइंड द एज ऑफ द ओशन बेड by studying the deposits on the ocean bed it occurred the scientist that the deposit at the ocean floor are not older than 200 million years the maximum age of the rocks on तो यहाँ पे ये पढ़ते पढ़ते हमें एक समझ में आना चाहिए कि ये जो ओशन फ्लोर है उनकी एज वहाँ पे कितनी होती है कितने पुराने कितने ओल्ड है तो ये हम बता सकते हैं कि 200 मिलियन ईयर्स ये उनकी एज है इतने वो पुराने हैं ओके the continent is supposed to be 3200 million millennium years uh, then where have the deposit on the seabed which are older than two, 200 million years gone this made the scientist restless then they settled the study they started the study of the rocks along with the deposit this made this made

टू हंड्रेड मिलियंस ईयर्स की हमारी जो अर्थ की अर्थ के ऊपर के जो रॉक्स है वो वहां पे दिखाए दिखे जाते हैं उसके बाद उन्होंने जो स्टडी की तो वहां पे उन्हें पता चला कि ओशन के नीचे जो रॉक्स वहां पे मिले वो थ्री थाउजेंड एंड टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स पुराने वहां पे थे मतलब सबसे पुराना जो पार्ट है हमारे अर्थ के ऊपर वो ओशन का फ्लोर का पार्ट है ओके